प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इस लैब में। आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले नीचे पांच ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको आगे आना है, जूम गैलरी पर आपको जाना है। जूम गैलरी पर जाने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो के आ चुकी है। यहाँ पर आपको इस वाली PNG को सिलेक्ट करना है और टिक कर देना है। ये आपके आ चुके हैं कुछ इस प्रकार PNG। अब आपको फिर से आपको जाना है तीसरे वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको जाना है इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में अगर आपकी वीट्यूब का जो भी आप लोगो यूज करना चाहते हैं, जो भी आपकी फ़ोटो है या फिर DP है, उसे आपको ले लेना है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से, लाइक हमने इस वाली फ़ोटो को ले लिया है, फिर आपको टिक करना है। टिक कर लेने के बाद आपकी फ़ोटो आ चुकी है। अब आपको इसकी साइज को छोटा करना है कुछ इस प्रकार। साइज को छोटा करके आपको इस सर्कल में आपको इसे रख देना है, जैसा कि मैंने इसे यहाँ पर आपको रख देना है। फिर आपको न्यू टेक्स्ट को लाना है और यहाँ से ए वाले आइकन पर जाकर एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हम लिख लेते हैं परवीन, फिर आपको ओके पर टाइप करना है। आगे आना है, यहाँ से आपको आना है फ़ॉन्ट वाले आइकन पर। फ़ॉन्ट में आने के बाद आई फ़ॉन्ट में जाना है और इस वाले फ़ॉन्ट का यूज आपको कर लेना है। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे आकर बैकग्राउंड पर आना है, इसे ऑन करना है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसे हम ब्लैक कर लेते हैं। फिर आपको नीचे आकर आपको इसकी रिड्यूस को आपको बढ़ा देना है, फिर आपको कर देना है। यहाँ से आपको आना है कलर वाले ऑप्शन पर। कलर में जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे हम इसमें वाइट ही चाहिए। फिर आपको आगे आना है, यहाँ से आपको आना है शेड वाले ऑप्शन पर, इसे ऑन करना है और इसे भी अपने अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। फिर आपको टिक करना है, इसके साइज़ को आपको छोटा करना है कुछ इस प्रकार। साइज को छोटा करके आपको इसे ऊपर रख देना है कुछ इस प्रकार। फिर यहाँ से आपको आना है फिर से इसे वाले ऑप्शन पर, फिर आपको आना है इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर। इम्पोर्ट पे आके यहाँ से आपको एक PNG है, इस वाली PNG को सिलेक्ट करना है। फिर आपको सेव पर टाइप करना है। आगे आना है, यहाँ से आपको आना है इरेजर कलर, इस पर आकर आपको इसे ऑन करना है और आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो के आ चुका है। अभी इसकी थोड़ा सा आपको इसे बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार, इससे आपको टिक कर देना है। अब इसकी साइज़ को आपको छोटा करना है कुछ इस प्रकार, जैसा कि मैंने किया है। आपको भी कुछ इस प्रकार से साइज को छोटा कर लेना है। फिर आपको फिर से शेडो वाले ऑप्शन पर आना है, इसे ऑन करके आपको कम कर लेना है ब्लर रिड्यूस को, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं काफ़ी है। फिर उससे आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको अपने नेम पर टैप करना है ए वाले आइकन पर आकर। यहाँ से हम आएंगे बैकग्राउंड, इसे आपको नीचे आना है, इसे भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, लेफ्ट राइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसे भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इसे भी थोड़ा सा काफ़ी है। फिर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ से आपको आगे आकर नेसेडो पे आना है, इसे भी ऑन करना है और इसे कम कर लेना है थोड़ा बहुत, 1 काफ़ी है। फिर से आपको टिक कर देना है। देख सकते हैं आप 2 सेकेंडों में हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे सेव वाले आइकन पर, इसे आपको अल्ट्रा कर लेना है और इसे सेव टू गैलरी कर देना है। ये आपकी आसानी से गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।